दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कई दफ़ा हमारे मोबाइल में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि सिर्फ रिसेट मारने से मतलब वो ठीक हो पाती है। अगर आप भी अपने फ़ोन को रिसेट मारना चाहते हैं तो आप उसको रिसेट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको वीडियो को अच्छी तरीके से समझना होगा ताकि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपने मोबाइल को अच्छे से रिसेट कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले जाना होगा हम अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा वीवो का फ़ोन है, ये देख सकते हैं वीवो V11 है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो भी आपका मोबाइल है उसमें आपको फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, तो इसमें हम सर्च करेंगे रीसेट। ये देख सकते हैं रीसेट, तो ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप अपने फ़ोन के नेटवर्क रीसेट करना चाहते हैं, फ़ोन की सेटिंग रीसेट करना चाहते हैं या अपने मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके फ़ोन की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग, बैकअप एंड रीसेट। तो इस पर हमें ओके कर देना है। अगर आपके मोबाइल में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको सबसे नीचे वाले पर ओके करना है। तो मैं इस पे ही आपको रीसेट करके दिखाऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है इसी से होता है। हमारे फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो वो इसी से करने से सब कुछ सही हो जाता है। इससे ऐसा हो जाता है मोबाइल जैसे हम नया मोबाइल ख़रीदते हैं तब आता है हमारा शॉप से। तो यहाँ पर हम इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो हमें इस पर करना है। देख सकते हैं इरेज ऑल डाटा, तो ये देख सकते हैं इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको करना क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने मोबाइल का डाटा डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। मतलब जैसे आपके फ़ोन में कोई डाटा है आप उसको डिलीट करना चाहते हो फ़ोन में और मेमोरी कार्ड में, मतलब SD कार्ड का डाटा डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इन पर टिक लगा सकते हैं। इस तरह से इन पर टिक लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल को रीसेट कर दें लेकिन हमारा कोई डाटा, फ़ोटो, वीडियो या जो भी हमारे फ़ोन में या मेमोरी कार्ड में वो डिलीट ना हो, तो आप इन पर से टिक हटे रहने दीजिए। ठीक है, इन पर से हम टिक हटा देंगे। हटाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर नाउ, ये देख सकते हैं क्लियर नाउ के ऑप्शन पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमसे हमारे फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा। जो भी हमारे फ़ोन का पासवर्ड है हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे। इस तरह से पासवर्ड एंटर करने के बाद ये 2-4 सेकंड का ये टाइम लेता है, ये देख सकते हैं। तो ये पूछता है कि आप बिल्कुल श्योर हो, मतलब रिसेट करने के लिए करना चाहते हैं, तो ये आपसे पूछता है, परमिशन लेता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप इसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद इरेजरिंग चालू हो जाएगी, ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल, ये देख सकते हैं इस तरह से ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑफ हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं वापस से ऑन हो जाएगा। इस तरह से 2-4 सेकंड बाद ऑन होने लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी देर की। तो यहाँ पर सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो स्किप मत करना। कभी आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप मुझे कहो कि हमारा फ़ोन ख़राब करवा दिया है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे फ़ोन की ख़राब होने की बात है अगर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए तो, इसलिए। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन इस तरह से यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, जब हमारा ये मोबाइल ऑन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से शो होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप योर फ़ोन, तो इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ से इस तरह से आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तो आप इसको इंग्लिश पर रहने देंगे। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इंडिया पर रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो इसको हम एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ऊपर स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो इसको मोर पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये मोर पर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो, फिंगरप्रिंट लॉक या फेस लॉक। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते आप ऊपर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ फिंगरप्रिंट लॉक। तो यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह का पासवर्ड अपने फ़ोन में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप 4 वर्ड भी रख सकते हैं, 6 भी, और यहाँ से आप पैटर्न लॉक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 4 का कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आप अपने फ़ोन का यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहते हैं जो भी, वो यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे और वापस से भी वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको एग्री पर कर देंगे और यहाँ से हमसे पूछेगा कि यहाँ पर कोई नाम डालिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ समीर, और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर कर देंगे। फिर यहाँ पर खान लिख दूंगा, समीर खान। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद ऊपर डन पर ओके कर देंगे, देख सकते हैं डन कर देंगे। डन करने के बाद ये हमसे फिंगरप्रिंट टच करने का बोलेगा। तो यहाँ पर बैक पर हम फिंगरप्रिंट लगाएंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, कई दफ़ा लगाना पड़ता है, तो इसको हम करते रहेंगे जब तक ये देख सकते हैं हो नहीं जाता। ये हो चुका है, अब इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब हमें इसको स्किप पर कर देना है। स्किप पर हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको यहाँ पर स्किप पर ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ पर यूज़ नाउ पर हम ओके कर देंगे। यूज़ नाउ पर ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग उठाएगा और ये हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके कौन से सिम में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इसको जो भी आपकी सिम में रिचार्ज हो उस पर आप ओके कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब यहाँ से हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमारे मतलब जैसा हम अपना फ़ोन लाते हैं नया तो वैसा हो जाता है। ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ से डिलीट हो चुका है, जो भी आपके फ़ोन में था सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने न्यू लिया हो। तो यहाँ पर अब वापस से आपको सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, व्हाट्सअप, फेसबुक या जो भी कुछ आपके फ़ोन में था सब कुछ यहाँ पर आप वापस से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।